दोस्तों आपके पास भी अगर Amazon का गिफ्ट कार्ड बैलेंस है और कैशबैक बैलेंस है उसको बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्किंग ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जहां से आप अपना Amazon का गिफ्ट कार्ड बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो कौन सा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप कर सकते हो, तो दोस्तों ये एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं, उस पर कब तक वर्किंग रहेगा ये ट्रिक उसके बारे में अपडेट मैं टेलीग्राम पे दूंगा। टेलीग्राम पे बहुत सारे ऑफर एंड कैंपेन चलते हैं, तो अभी तक आपने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आप पेटीएम कैंपेन से भी आप पैसा अर्निंग कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ, और इस एप्लीकेशन कब तक वर्किंग में रहेगा, ये ट्रिक कब तक वर्किंग में रहेगा उसका अपडेट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो जल्दी से जाओ और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। चलिए बात करते हैं मेन ट्रिक के बारे में कि दोस्तों किस तरह से आप अपना Amazon का गिफ्ट कार्ड बैलेंस ट्रांसफर करने वाले हो। तो दोस्तों अभी जो यहाँ पे आप लोगो देख रहे हैं इस एप्लीकेशन में, अभी यहाँ पे फास्टैग है अगर आपके पास, तो फास्टैग के थ्रू आप अपना Amazon का गिफ्ट कार्ड बैलेंस बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। जिनके पास फास्टैग है ये ट्रिक के आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें दोस्तों 2.5% का चार्ज लगेगा और इसके अलावा कोई भी ट्रिक अभी काम नहीं कर रहा है, तो कोई भी ट्रिक के थ्रू आप अपना बैंक में बैलेंस को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो अभी ये ट्रिक वर्किंग में है, कितना देर चलेगा इसका अपडेट मैं टेलीग्राम पे दूंगा और लिमिटेड टाइम के लिए, जल्दी से जाओ। बहुत सारे लोग इसमें ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है सर्वर इशू हो, तो जैसे ही सर्वर इशू ठीक हो जाए तो यहाँ पे आपको करना है क्या दोस्तों, सबसे पहले इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाओ, इस एप्लीकेशन में अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। वहां पे जाने के बाद आपको फास्टैग ऑप्शन दिखेगा, वहां पे फास्टैग ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना पेटीएम का फास्टैग वहां पे सिलेक्ट कर लेना, और सिलेक्ट करके अपना नंबर डाल के वहां पे आपके पास जितना बैलेंस है, स्टार्टिंग में दोस्तों आप सभी लोग 100 रुपया का ही ट्राई करना, ज्यादा अमाउंट का ट्राई मत करना क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ट्राई करने वाले हैं और आपका हो सकता है अमाउंट पेंडिंग में चला जाए, ऐसा ट्रांजेक्शन पेंडिंग में चल जाए, तो आपको छोटा अमाउंट से ट्राई करना है। जब छोटा अमाउंट सक्सेस हो जाए उसके बाद आपके पास जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को आप वहां पे पेड करके अपना बैलेंस को निकाल लेना। तो जितना जल्दी जाओ, जाओ फटाफट जाओ, एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना डायरेक्ट, और जल्दी से मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट बनाना। अकाउंट बनाते ही उसमें आप अपना बिल पेमेंट में जाके अपना फास्टैग रिचार्ज कर लेना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ट्रिक का अपडेट जानने के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलना, जल्दी से जाओ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।